राजू के मम्मी पापा अपने घर में एक सुंदर नेवले को पाल रखे थे। राजू हमेशा नेवले के साथ खेला करता था और नेवला भी राजू का बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया था। राजू घर से बाहर जाता तो नेवला भी उसके साथ चला जाता था। राजू के घर के पास एक पीपल का बड़ा सा पेड़ था जिसके नीचे एक विषैला सांप रहता था। सांप बड़ा ही बदमाश था, आते जाते लोगों को काट दिया करता था। उसके काटने से लोगों के शरीर में जहर फैल जाता था और लोग मर जाते थे। और इस तरह उस सांप ने उस रास्ते पर आतंक का माहौल पैदा कर रखा था। लोगों ने राहगीरों को बचाने के लिए पेड़ पर एक तख्ती लिखकर टांग दी थी और उस तख्ती में लिखा था, कृपया सांप से सावधान रहें। आसपास के लोग सांप के डर से हाथ में डंडे लेकर जाया करते थे। एक दिन सांप चुपके से राजू के घर में घुस जाता है। रात के 11 बजे राजू अपने कमरे में सोया था और उसके मम्मी पापा दूसरे कमरे में। नेवला राजू के साथ सोया था। नेवला रात में भी हमेशा चौकन्ना रहता था। सांप राजू के कमरे में घुस जाता है और जैसे ही राजू को काटने की कोशिश करता है